हेलो फ्रेंड्स, आपको सबसे पहले सॉरी फॉर कॉलिंग यू इन सच ए शॉर्ट नोटिस. बहुत छोटा नोटिस में वी आर कॉलिंग अ प्रेस कॉन्फ्रेंस. ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इज अ रिएक्शन ऑन व्हाट द IPFT हैज डन जस्ट नाउ. एंड सबसे पहले मैं आपको एक बात क्लियरली बोलना चाहता हूँ कि आज मैं सच में मुझे बहुत दुख लगता है जब मैं अपने तरफ से हर तरीके से लोगों को हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूँ, उनका पार्टी नहीं देखकर लेकिन कोरोना की सिचुएशन देखकर. जो लोग पंजाब में फंसे हुए हैं, जो बेंगलोर में हैं, जो शिलोंग में हैं, जो गुवाहाटी में हैं, जो हैदराबाद में हैं, कलकत्ते में हैं, उन सबको लाने के लिए हम अपने पैसे से, अपने पॉकेट से, गवर्नमेंट मनी नहीं, अपने पॉकेट से पैसा खर्च करके कोरोना के टाइम उनको प्रॉब्लम हो रहा है, स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो रहा है, जो एम्प्लॉयज़ है उनको हेल्प करने के लिए हम उनको वापस त्रिपुरा ला रहे हैं. और यहाँ में एक रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी जो प्रशासन में है, वो कोरोना के टाइम प्रोग्राम्स कर रही है और अब उन्होंने कोरोना के टाइम स्ट्राइक भी बुलाया है. आई डोंट नो ये कहाँ से इनको ये ज्ञान या बुद्धि प्राप्त हुई है, लेकिन मैंने उनके बहुत MLA से बात किया है, वो भी नहीं जानते हैं कि ये क्यों हुआ हो रहा है. मैं काफ़ी कॉन्फिडेंस से बोल सकता हूँ कि रूलिंग जो गवर्नमेंट है BJP, उनको भी मालूम नहीं है क्या हो रहा है. और मैं उनको अपील करना चाहता हूँ कि कोरोना के टाइम जब पहले से लोग कष्ट में हैं, पहले से रोज़गार बंद है, पहले से आदमी को बहुत प्रॉब्लम्स हो रहा है, तो उस समय पॉलिटिक्स नहीं करें और ये स्ट्राइक को विड्रॉ करें. ये स्ट्राइक लाकर आप क्या प्रूव करना चाहते हैं? आपने इलेक्शन फाइट किया है, इलेक्शन का रिजल्ट सामने है, अभी इलेक्शन का टाइम नहीं है, अभी पॉलिटिक्स का टाइम नहीं है. त्रिपुरा में कोरोना का सिचुएशन ख़राब है और हम लोग सब कोशिश कर रहे हैं एज पीपल ऑफ त्रिपुरा टू स्टॉप द स्प्रेड ऑफ कोरोना एंड ऑल्सो टू हेल्प पीपल जो सफ़र कर रहे हैं, जो डेली वेज अर्नर्स हैं, उनको हेल्प करने के लिए. लेकिन इस समय अगर आप स्ट्राइक कॉल करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि ये बहुत अच्छा मैसेज जाएगा. लोग हमारे राज्य के ऊपर हंसेंगे. और मैंने और एक स्टेटमेंट सुना है सिटिंग मिनिस्टर से कि देर इज़ नो लॉ एंड ऑर्डर इन द स्टेट. लॉ एंड ऑर्डर इज अ स्टेट गवर्नमेंट सब्जेक्ट. द चीफ मिनिस्टर ऑफ त्रिपुरा इज द होम मिनिस्टर ऑफ त्रिपुरा. अगर आपको कोई आपत्ति है तो आप जाकर ये बात चीफ मिनिस्टर से बात कर सकते हैं. लेकिन इस टाइम में आप पब्लिक में रिएक्शन देंगे, कभी मुझे ब्लेम करेंगे, कभी CPM को ब्लेम करेंगे, कभी BJP को खुद ब्लेम करेंगे और बोलेंगे कि लॉ एंड ऑर्डर नहीं है इस राज्य में. पब्लिक सब जानती है कि लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है और आप ही की सरकार के अंदर लॉ एंड ऑर्डर है. आज जो हमें सिक्योरिटी भी दिया जाता है EMs को, CEMs को, MDCs को, ये जो सिक्योरिटी दिया जाता है ये हम अपना सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करते हैं, ये दिया जाता है स्टेट गवर्नमेंट से. हमें भी सुरक्षा स्टेट गवर्नमेंट ही करता है. तो इस कोरोना के टाइम में अगर आप पॉलिटिक्स नहीं करेंगे, आपने देखा जो आज हुआ, मैं खुद गया पुलिस स्टेशन, मैंने खुद वो जो आदमी ने गुंडागर्दी की उसको मैंने पकड़ के पुलिस के सामने रखा, मैंने उसको पार्टी से सामने सामने सस्पेंड किया. मैं अपने तरफ से पूरा तरीके से हेल्प करना कोशिश कर रहा हूँ कि कोरोना के टाइम राजनीति नहीं होना चाहिए, जो लोग फंसे हैं उनको हेल्प होना चाहिए, जिसको कष्ट मुश्किल है उसको हेल्प होना चाहिए. लेकिन यहाँ में इनको सिर्फ पॉलिटिक्स दिखाई पड़ रहा है. तो मैं अपील करता हूँ, क्योंकि वहाँ में 8 MLAs हैं, मुझे नहीं लगता कि ये 8 MLAs के संग किसी के संग बात हुआ है. मैं अपील करता हूँ कि इस टाइम हम लोग आइए आमने सामने बैठकर बात करते हैं, लेकिन इस टाइम पब्लिक को आप कष्ट देकर आप किसी का भला नहीं कर रहे और हमारा पूरा स्टेट का आप नाक काट रहे हैं. हमको शर्म लगता है.
सो आई एम अपीलिंग थ्रू द मीडिया. मैंने खुद भी फोन किया था मिनिस्टर को और मैं अभी भी आपके थ्रू अपील करना चाहता हूं कि मेरे ऊपर भी बहुत बार काला झंडा दिखाया गया, हमारे ईएम्स के ऊपर भी बहुत बार अटैक किया गया. मुझे क्लियरली याद है मैंने जितेंद्र चौधरी से बात किया था जब उसके ऊपर ओमपी में अटैक हुआ था. ये पॉलिटिक्स जो वायलेंस का है ये आज नहीं शुरू हुआ है और वो एक दिन में खत्म नहीं होगा. लेकिन अगर मैंने पॉजिटिव एटीट्यूड लिया है और मैं एक पॉजिटिव तरीके से आगे बढ़ रहा हूं, दो कदम मैं आगे चल रहा हूं, तो आपको क्या प्रॉब्लम है दो कदम आगे कहीं चल के आने के लिए? आप लोग टिपरा साहब टिपरा लैंड बोलते हैं, तो मैं टिपरा साहब नहीं हूं, जितेंद्र चौधरी टिपरा साहब नहीं है, रामपद जमतिया टिपरा साहब नहीं है, हमारा पूर्ण जमतिया टिपरा साहब नहीं है, कमल कोलय विजय रामकोल टिपरा साहब नहीं है. ये बात को आप पब्लिक को कष्ट क्यों दे रहे? ये तो नेता लोगों का प्रॉब्लम है, आप पब्लिक को क्यों कष्ट दे रहे? और इसी के लिए मैं आप सबको बोलना चाहता हूं कि आज ना कोई आके बोलता कि मैं पॉलिटिक्स में हूं तो हमको शर्म लगता है, क्योंकि पब्लिक हम लोगों को विश्वास ही नहीं करती, क्योंकि हमको हमेशा नेतागिरी और शोमैनशिप करना है. मैं अपील करता हूं प्लीज मीडिया के थ्रू, मीडिया से भी बहुत लोग कोरोना में मरे हैं, डॉक्टर से बहुत लोग मरे हैं, हमारे गांव में सिचुएशन खराब हो सकता है. इस टाइम जो दिन का 100 रुपये कमाता है, दिन का 150 रुपये कमाता है, जो फ्रंटलाइन वर्कर्स है उनको कितना मुश्किल होगा. तो प्लीज इस टाइम ये कोरोना जात को नहीं देखता, ये कोरोना हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन को नहीं देखता है, ये कोरोना सबको लग सकता है. इस टाइम तो प्लीज पूरा इंडिया में हमने सस्पेंड कर दिया है पॉलिटिकल एक्टिविटीज, आप भी इसको रिकंसिडर कीजिए. थैंक यू. एनी क्वेश्चंस? आई विल बी हैप्पी टू आंसर देम. तो मीडिया होता है, आपने का मतलब कि वो आपने एक लाइव में बोला था कि आपने एक आदमी को सस्पेंड किया. हाँ. तो आज जब मैंने उसको अरेस्ट भी कराया. हाँ, ये भी बोला था. लेकिन आज जब मेवर कुमार जी का जो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ तो उन लोगों ने कहा कि कोई प्रूफ तो नहीं है अभी, तो इसके अरे आप देखिए ना, देखिए मैं मेवर के बारे क्या बोलूं, उनका MLA ने FIR फाइल किया एक आदमी के खिलाफ. जैसे मुझे मालूम पड़ा कि वो आदमी था, मैंने खुद अपने लोगों को बोला उसको पकड़ के लेके आओ और मैंने पुलिस स्टेशन में उसको सरेंडर कराया. मैंने किसी हवा से तो आदमी को लेके नहीं आया, उनका MLA ने बोला था ये आदमी है और इसी के लिए मैं उसको लेके आया. और दूसरा बात, ये जो आदमी आया है वो भी उसी के पार्टी से 1.5 महीने पहले आया है, हमारे पार्टी में कोई पोस्ट नहीं होल्ड करता. लेकिन क्योंकि मुझे लगता है कि ये जो कल्चर है, एक टाइम सब CPM थे, एक टाइम सब IPFT BJP हुए, आज बहुत लोग तिपरा मोथा में है, कल और एक टाइम कहीं और जा सकते हैं. आदमी तो वही है ना, हम तो कहीं नया बच्चा तो पैदा नहीं कर रहे ना, कहीं नया से तो हवा से तो आदमी लेके नहीं आ रहे. ये कल्चर प्रॉब्लम है. लेकिन मेरा पॉइंट बड़ा है, आप मंत्री हो, लॉ एंड ऑर्डर आपके अंदर है, आपके कैबिनेट कुलीग के अंदर है. इस टाइम आप अपने कैबिनेट कुलीग से बात करके आप एक बार BJP से सवाल पूछ लीजिए. मैं आपको 100% गारंटी देके बोलता हूं कि BJP ये स्ट्राइक को सपोर्ट नहीं कर रहा होगा. 100% मैं बोल सकता हूं कि ये स्ट्राइक को कांग्रेस भी सपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि वो सब जानते हैं कि अभी कोरोना एक बड़ा इश्यू है. तो ये स्ट्राइक करके वो क्या प्रूव करना चाहते हैं? मैं रेडी हूं, आप कल आइए मुझसे मिलिए, मैं उनके घर में जाने के लिए तैयार हूं, हम पीस मीटिंग करते हैं. मैंने तो जब मेरे ऊपर अटैक हुआ, कोई सस्पेंड हुआ था BJP से, जब कितने लीडर के ऊपर अटैक हुआ, कोई IPFT से सस्पेंड हुआ, जब हताए कोतौर में 12 दिन, ये जो न्यू कल्चर लाया आप रोड ब्लॉकेट करके, ये किसने शुरू किया? आज मैंने तो एटलीस्ट कोशिश किया है कि मैं खुद गया पुलिस स्टेशन, आज तक NC देवबान में पुलिस स्टेशन आकर मेरा हालचाल पूछा है या किसी और का हालचाल पूछा है? मैं तो खुद गया ना, एज अ चेयरमैन मैं खुद गया, मैं खुद पकड़ के लेके आया. एक आदमी कोशिश कर रहा है, मैं तो अपने पॉकेट से, जो पंजाब से लोग आ रहे हैं, जो बैंगलोर से आ रहे हैं, मैं तो हेल्प कर रहा हूं ना. मैं पूछ रहा हूं कि आपने IPFT BJP CPM को वोट किया था, मैं तो अपने तरफ से हेल्प कर रहा हूं. जब माननीय कोर्ट में रेड हुआ, मैंने उस टाइम भी कुछ नहीं बोला, क्योंकि मैं जानता था कि फोकस कोरोना में है. अगर माननीय कोर्ट के बारे हमने बात किया तो बात
इधर का उधर जाएगा, मुझे कोरोना से फोकस हटाना नहीं है। इन लोगों को परवाह है, ये पावर पूरा जिंदगी नहीं रहता। मैं जानता हूं कि मेरा भी ये पावर भी है, पूरा जिंदगी नहीं रहेगा, लेकिन इस कोरोना के टाइम अगर मैंने राजनीति नहीं किया और मैंने लोगों के बारे सोचा तो कुछ भला होगा। तो उसको पहला अपना होमवर्क करने दीजिए। और लॉ एंड ऑर्डर मेरा सब्जेक्ट नहीं है, अगर आप लॉ एंड ऑर्डर से नाखुश है तो आप अपने सरकार से बात कीजिए। और मैं आपको बोल रहा हूं, ये जो स्ट्राइक है उनके सहयोगी पार्टी पे सपोर्ट नहीं कर, मैं चैलेंज करके बोल सकता हूं कि बीजेपी ये स्ट्राइक को सपोर्ट नहीं करेगी, क्योंकि ये टाइम हड़ताल का है ही नहीं, ये टाइम स्ट्राइक का है ही नहीं, ये टाइम कोरोना के लिए पहले से हम लोग का प्रॉब्लम है, ये मैं बोलना चाहता हूं। और आपको क्या लगता है जो आईपीपी अभी ये स्ट्राइक उसमें क्या है, कभी लगता है उसका सपोर्ट धीरे धीरे कमती हो रहा है इसलिए कुछ चुप नहीं? अगर आप ऐसी हरकत करेंगे कोरोना के टाइम स्ट्राइक, कोरोना के टाइम बंद, कोरोना के टाइम रोड ब्लॉकेट, तो ऑब्वियसली आम जनता को पॉलिटिक्स से कोई इंटरेस्ट है क्या? किसी का घर में उसका माँ मर रहा है, किसी के घर में किसी का ग्रैंडफादर मर रहा है, किसी का बच्चा अटका हुआ है बैंगलोर में, आप उनको हेल्प करने के लिए कुछ कीजिए ना। यहाँ में पहले से बिजनेस बंद हो चुका है, इकोनॉमी कम प्रॉब्लम में है, आपका आपका काम सिर्फ आंदोलन करना है क्या? और मैं ऑपोजिशन में रहकर मैं आंदोलन नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि ये टाइम ठीक नहीं है। आप सरकार में होकर आप आंदोलन कर रहे हो, आपको ये तो ऑपोजिशन का काम था, आप तो ऑपोजिशन का काम कर रहे हो सरकार में बैठकर। आप अपना माइंड मेकअप कर दीजिए ना कि आप सरकार के संग है या सरकार के विरुद्ध है, ना यहां का है ना वहां का है। आपको मंत्री दोनों रहना है, आपको मंत्री बन के रहना है, लेकिन आप अलायंस नहीं तोड़ोगे। टीटीएडीसी इलेक्शन के टाइम जब यहां में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, हम मंत्री रहेंगे लेकिन हम बीजेपी के संग अलायंस नहीं करेंगे, ये बोला नहीं था यहां में? तो अब आप माइंड मेकअप कीजिए, आपको अगर सरकार में बैठना है तो सरकार के संग काम कीजिए, अगर सरकार में नहीं बैठना तो सरकार से बाहर निकलिए। लेकिन अपने मन में आप जो भी आके, आज मैं खुद गया पुलिस स्टेशन, मुझे कोई दरकार था, मैं आज खुद हॉस्पिटल गया, मेरा माँ को कोरोना हुआ है, आज भी कोविड पॉजिटिव, मेरा माँ 76 ईयर्स ओल्ड है, मैं कलकत्ता छोड़कर यहां आया हूं, पॉलिटिक्स करने आया हूं यहां में, मेरा माँ को कोविड, राजमाता को कोरोना पॉजिटिव है, लेकिन मैं उनका ही मिले को हॉस्पिटल ले गया। यहां में मैं एक पॉजिटिव पॉलिटिक्स करने की कोशिश कर, आदमी को सस्पेंड किया, आज तक कोई पॉलिटिकल नेता सस्पेंड हुआ है एक घंटे के अंदर? लेकिन इनको इनको हर जगह में राजनीति करना है तो करो राजनीति। एक टाइम आप 8 सीट था, आज 0 हो गया, क्योंकि आप पॉलिटिक्स का मतलब होता है सेवा, आपको सेवा करना नहीं, आपको सिर्फ ये अटकाने का एक तरीका मन में आ रहा है। मैं आपको चैलेंज करके बोलता हूं कि ये स्ट्राइक को इवन बीजेपी सपोर्ट नहीं करेगी, अगर करेगी तो बीजेपी को स्वीकार करना पड़ेगा कि वो उनके पास लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं है। ये बात आप प्राइवेटली बात कर सकते थे, मुख्यमंत्री से बात कर सकते थे, मुझसे बात कर सकते थे, मुझे तो फोन आते रहता है, तो क्यों नहीं बात करते प्राइवेटली? इससे क्या फायदा होगा किसी को? मैं इसी के लिए अपील कर रहा हूं, अभी भी देर नहीं हुआ है, आप ये स्ट्राइक को प्लीज विड्रॉ करिए। इस स्ट्राइक से फिर से वायलेंस बढ़ेगा, और जो फोकस होना चाहिए इस समय, फोकस होना चाहिए कोरोना। आपका जर्नलिस्ट हमारे यहां में तनुमय का डेथ हो गया, कितने लोग बीमार हैं, हम उसके बारे, ऑक्सीजन सिलेंडर के बारे बात करें, एम्बुलेंस के बारे बात करें, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने नहीं किया है कि वैक्सीनेशन ठीक से करना चाहिए। हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं वैक्सीनेशन के लिए नहीं, हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं रोड ब्लॉकेट के लिए। ये क्या हम 2021 में त्रिपुरा में पूरा इंडिया देखता है, बोलता कि ये लोग क्या क्या काम कर रहे हैं। सर एक बात है सर, आपका जो आगे अपील क्या है, वो अपील को वो लोग स्वीकार करके जो है। अगर उन्होंने मेरा अपील स्वीकार किया, मैं हाथ जोड़ के बोलता हूँ, मैंने खुद धीरेन्द्र को बोला सॉरी, मैंने तो उनको नहीं अटैक किया था, लेकिन क्योंकि वो आदमी IPFT से तिपरा मोथा में 1 महीना 1.5 महीना पहले आया,
कोई पोस्ट भी होल्ड नहीं करता। आज मैंने सस्पेंड कर दिया, मैंने उसको पुलिस स्टेशन जाके डाला है। सर अगर नहीं माने तो फिर भी ये स्ट्राइक उन लोगों को लगता है स्ट्राइक करना है, तो आप लोगों का क्या रिएक्शन रहेगा? क्या मेरा क्या रिएक्शन है? मैं तो सरकार में नहीं हूँ, लॉ एंड ऑर्डर स्टेट गवर्नमेंट के पास है। अगर वो लोग 22 तारीख को वो लोग अगर रोड ब्लॉकेट करेंगे तो गवर्नमेंट को चुनना पड़ेगा कि वो पब्लिक के लिए है या पावर के लिए है। महाराज रिसेंटली जो एक कमेटी बनाया गया है कोरोना मॉनिटरिंग के लिए, वहाँ पे एडीसी से किसी भी रिप्रेजेंटेटिव को नहीं रखा गया स्टेट गवर्नमेंट की तरफ, तो उसके बारे में आपका कहना है, क्या कहना है? एंड द सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट इज योर सजेशन टू द स्टेट गवर्नमेंट रिगार्डिंग द कोविड मैनेजमेंट ऑफ द एंटायर स्टेट? माई सजेशन इज आई एम रेडी। अगर आप एडीसी से हमको अगर इन्वॉल्व करेंगे, हम बहुत खुशी है क्योंकि 70% ऑफ त्रिपुरा तो एडीसी ही है। अगर आप हमको निमंत्रण करेंगे, हम तो दुश्मन किसी के नहीं है, हमको भी जनता ने चुना है, हमारे पास भी कुछ व्यू हो सकते हैं। अगर आप हमको कमेटी में रखेंगे तो हम बहुत खुश होंगे क्योंकि हमारे पास भी कुछ सजेशंस है, पॉजिटिव है। मैं नेगेटिव पॉलिटिक्स नहीं करना चाहता। और रहा बात आपका जो दूसरा क्वेश्चन का कि एडीसी के बारे, आपने क्या पूछा था कि कोई क्या सजेशन है कि कोविड-19 के, हाँ स्टेट में मैनेजमेंट, मुझे लगता है कि देखिए वैक्सीनेशन जो प्रोग्राम हो रहा है, डेथ्स देखेंगे तो इस बार वैक्सीनेशन ठीक चला है, लेकिन हमें तभी भी कोरोना एक ऐसा बीमारी है कि हमने अगर थोड़ा सा भी हम लैक्स हुए, जैसे कि कुंभ मेला में इतने लोग आ गए, जैसे कि बंगाल के इलेक्शन में इतने लोग आ गए, आसाम, आज आप आसाम को देख लो, तो अगर हम सतर्क नहीं रहे तो आज जो त्रिपुरा मोटा मोटी हम लोग ठीक से ही चल रहा है, अगर हम सतर्क नहीं रहे तो ये कोरोना वापस आ सकता है। हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रॉब्लम है, ये सब ये सरकार भी मानेगी, ये सीपीएम भी मानेगी, ये मुझे भी मानना पड़ेगा कि आज हमारे पास अस्पताल में इतना ऑक्सीजन सिलेंडर्स नहीं है, इतना पलंग नहीं है, इतना सुविधा नहीं है, और पूरे इंडिया में इतना वैक्सीन भी नहीं है। तो अगर कोरोना यहां में आएगा तो हमें, अगर खराब भगवान ना करे अगर आया, तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। और इसके लिए इस टाइम मुझे नहीं लगता कि स्टेट में हमें अपोज करना चाहिए फॉर द सेक ऑफ ऑपोजिशन, हमें कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए। जहां में हमारा सुझाव नहीं आ जाएगा हम देंगे, और इसी के लिए मैं वेलकम करूंगा अगर स्टेट गवर्नमेंट हमें एक बार मौका देता है कि उस पैनल में हम भी रहे, हम भी इतने गए गुजरे नहीं हैं, हमें भी एक मौका दे तो हम जाकर हम अपना सुझाव दें। अगर गवर्नमेंट नहीं देगी तो वो उनके ऊपर है। सर आईपीएफ की तरफ से एक एलिगेशन लगाया गया है कि जो विलेज कमेटी बनाया गया है 587 का, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और इसको विथड्रॉ करने के लिए बताया है। आईपीएफटी के मंगल देव वर्मा ने ये भी कहा था कि तिपरा मोथा का जो सिंबल है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और इलेक्शन कमीशन में वो इलेक्शन फाइट करेगा, तो उसने किया है। एलिगेशन लगाना बहुत आसान पड़ता है, मुझे लगता है कि उनको इस टाइम राजनीति नहीं, कैसे कोरोना को फाइट करना है उसके लिए बात करना चाहिए और आकर हमसे बैठकर बात करना चाहिए। ये जो चल रहा है इससे नुकसान उनका हो रहा है, लेकिन नुकसान स्टेट का भी हो रहा है। आज अभी भी हमारे पास दो मंत्री हैं जो कैबिनेट में हैं, अगर वो अपना ध्यान हमारे जनजाति के ऊपर ज़्यादा दे ना कि राजनीति के ऊपर। प्रद्योत विक्रम माणिक्य उनका दुश्मन नहीं है, मैं तिपरासा हूं, मैं उनको आदर करता हूं, वो भी तिपरासा है, और जब तिपरासा तिपरासा को मारता है तो नुकसान तिपरासा का होता है। मैं इसी के लिए मैंने अपने आदमी को, उसको आदमी को सस्पेंड किया और मैंने कह दिया कि ये काला झंडा का राजनीति नहीं चलेगा। वो भी अगर पुराने रकम का सोच को छोड़ दे, ये पुराना जमाना का सोच है, उसको छोड़े और नए जमाने के सोच में चले तो उन्नति यहाँ में होगा। आज पॉकेट में पैसा नहीं है, पेट में खाना नहीं है, नौकरी नहीं है, फंड्स का कमी है, हम पूरे इंडिया में प्रॉब्लम है। आपको भी अपना पॉलिटिक्स को हट के सोच के काम करना पड़ेगा। सर ऑन द बेसिस ऑफ द कोविड-19 सिचुएशन, व्हाट इज द मैसेज दैट यू वांट टू गिव टू द सपोर्टर ऑफ द त्रिपुरा माता एंड द पीपल ऑफ द स्टेट? आई वांट टू गिव मैसेज टू द पीपल ऑफ द स्टेट। राइट नाउ
वी आर ऑल त्रिपुरीज राइट नाउ. दिस यू ऑल डोंट नो हाउ बैड कोरोना इज. माई मदर इज सफरिंग फ्रॉम कोरोना. माई अंकल इज इन वेंटिलेटर. मेरा अंकल वेंटिलेटर में है. माई मदर हैज गॉट, शी इज 76 ईयर्स ओल्ड, शी इज गॉट कोरोना. एक लौता लड़का उसके साथ नहीं है, यहां में है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है. पीपल आर डाइंग आउटसाइड. दिस इज नॉट द टाइम टू डू पॉलिटिक्स. एंड यू नो आई हैव वन दिस ADC इलेक्शन बिकॉज आई डिड नॉट इंडल्ज इन पॉलिटिक्स. दीज पीपल डिड नेगेटिव पॉलिटिक्स, आई डिड पॉजिटिव पॉलिटिक्स. सो नाउ प्लीज, कोरोना डज नॉट हैव अ धर्म, इट डज नॉट हैव अ जाति. कोरोना कैन हिट ऑल ऑफ अस. माई ओनली मैसेज टू ऑल द पीपल ऑफ त्रिपुरा, this is not the time to do any politics. Just focus on keeping social distancing and helping our doctors who are frontline doctors. Their doctors are tired, they are working hard. Nurses are tired. Now is the time for all of us to also be disciplined and keep hygiene and management to ourselves. मतलब आपको लगता है इस समय पॉलिटिक्स ना करके जो लोग सेवा में, ज्यादातर लोगों को खाना जो सेवा जो जो सुविधा है, लोगों के पास पैसा कम है, तो इस बारे में क्या करना है सर? सुना तो देखिए, अगर आपको किसी को हेल्प करना है तो आप हेल्प करिए ना. मैं तो हेल्प कर रहा हूँ ना. कल पंजाब से, परसों पंजाब से 20 लोग इंडिगो फ्लाइट से आ रहे. टिकट का पैसा किसने दिया है? गवर्नमेंट ने दिया है. मैं अपने पॉकेट से दे रहा हूँ. आज 25 तारीख को बैंगलोर से 9 लोग आ रहे हैं. कल 2 विमेन आर कमिंग फ्रॉम गुवाहाटी. मैं हेल्प कर रहा हूं ना अपनी तरफ से. कितने लोगों को हेल्प किया है? तो ये टाइम सेवा का है. पॉलिटिक्स 5 साल में एक बार होगा. इलेक्शन के टाइम आप इलेक्शन करो, नेतागिरी करो, भाषणगिरी करो. अभी तो ये कोरोना ये हर दिन तो नहीं आता, 100 साल में एक बार आता है ये महामारी. ये टाइम तो अपना थोड़ा क्लास उठाओ. एटलीस्ट ये टाइम तो अपने पॉलिटिकल डिफरेंसेस से आगे ऊपर उठो. मैं भी तो अपने माँ के संग रहना चाहता हूं ना इस टाइम. मैं यहां क्यों कर, यहां क्या कर रहा हूं? मैं भी तो एक लौता लड़का हूं, तभी भी मैं कर रहा हूं ना अपने लोगों के लिए यहां. तो उनको भी सोचना चाहिए और सबको सोचना चाहिए. और ये टाइम नहीं है पॉलिटिक्स के लिए. ये टाइम BJP, तिपरा मोथा, CPM, कांग्रेस, IPFT नहीं होना चाहिए. ये टाइम हमको लोगों के बारे सोचना चाहिए. अनदर थिंग कि अभी जो आपने बोला कि एक इकोनॉमिक क्रंच चल रहा है सारे जगहों पे, पूरे इंडिया में इकोनॉमिक डाउन हो रहा है. एंड हमारे यहाँ पे जो ADC एरियाज है वहाँ का इकोनॉमिक कंडीशन और भी खराब है. तो अभी GTADC के जो न्यू काउंसिल है उसके तरफ से क्या इनिशिएटिव्स होगा टू? देखिए, अच्छा क्वेश्चन है आपका, वेरी गुड क्वेश्चन. मैं कल ही टाइम लूंगा टू मीट द चीफ मिनिस्टर हु इज ऑल्सो द हेल्थ मिनिस्टर टू गिव अस अ स्पेशल कंसोलिडेटेड फंड फॉर TTADC. हमारा हेल्थ EM इसे कमल कोलोर इज हियर, माई CM इज हियर. तो एक कंसोलिडेटेड फंड फॉर हेल्थ, क्योंकि हमारे अंदर भी CHCs है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स है, और हमारा नेटवर्क भी बहुत है अक्रॉस द स्टेट. तो बहुत जगह में हम भी हेल्प कर सकते हैं. गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है, लेकिन क्योंकि एक लेगेसी इशू है, तो यहाँ में इंफ्रास्ट्रक्चर बना है लेकिन लोग नहीं हैं. हमने बिल्डिंग्स बनाए हैं लेकिन बिल्डिंग को देखने के लिए आदमी नहीं रखा है. हॉस्पिटल में, अगर हॉस्पिटल है तो डॉक्टर नहीं है, अगर डॉक्टर है तो पलंग नहीं है, और अगर पलंग है तो एक्सरे मशीन नहीं है. तो हम ये सब के लिए चीफ मिनिस्टर से मिलना चाहते हैं और एक वन टाइम कंसोलिडेटेड फंड टू फाइट कोरोना हम देना चाहते हैं. ये टाइम मैं, अगर हम अपने ADC से, अगर हमने अपने तरफ से 100 लोगों को भी हेल्प किया, तो वो 100 लोग GB हॉस्पिटल में नहीं आएंगे, ILS में नहीं आएंगे. हम भी रिलीफ देना चाहते हैं, हम भी थोड़ा अपने तरफ से हेल्प करना चाहते हैं. यही मैं नो मोर क्वेश्चन. थैंक यू. बेलाइनो हम्बर. थैंक यू.